गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा टॉपिक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये मेनली मीडियम टाइप्स के मेन स्टडी करेंगे। फर्स्टली क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया, फिर रिअरेंजमेंट रिएक्शन है, रिअरेंजमेंट रिएक्शन, रिअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। और एक प्रकार है विलोपन अभिक्रिया, फिर है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। वन बाय वन करके एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया इसको हम हिंदी में बोलते हैं। जब कोई भी ई मॉलिक्यूल, ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें कोई सी मॉलिक्यूल नेक्स्ट आ करके अपना ए बी सी टाइप का कॉम्प्लेक्स या कोई नया स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता है, बना देता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होंगी मोस्टली क्या होगी, एडिशन रिएक्शन कहलाएंगे। जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे आपको। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे कोई एक ए बी कोई मॉलिक्यूल था, सब्सट्रेट का ग्रुप था, उस पर कोई एक स्ट्रॉन्ग कोई इफेक्ट वाला ग्रुप आकर के किसी एक समूह को प्रतिस्थापित करता है। ये ए या बी में किसी को प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है, बाहर कर देगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो ए सी टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, और बी को अगर प्रतिस्थापित करेगा तो बी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस अभिक्रिया का प्रकार जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्मॉलर पार्टिकल या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल पर छोटे जो ग्रुप है वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसमें पूरी तरह से क्या है, पूरा हमारा जो ग्रुप है वो ऐड नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें से पार्ट स्मॉलर छोटे भाग के हैं बाहर निकलते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन का प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ होंगी उनको हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहेंगे। तो हम इनको एग्जाम्पल्स लेकर के स्टडी करते हैं। मेनली हम जो एडिशन रिएक्शन होती है उसके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्पीसीज के होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड सिस्टम में होंगे, वहाँ जहाँ पर पॉसिबिलिटीज है डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट को बना देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसके हमने एच सी एल की अभिक्रिया कराई, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एच है ना सी एल माइनस दो बॉन्ड में ये दोनों जगह पर जुड़ जाएगा, तो सी एच थ्री सी एच टू, और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट को मेथिल क्लोरो क्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। दो पार्ट डिवाइड होगा, एक प्लस पार्टिकल और एक माइनस, ये दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, और टूटने के बाद डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड चेंज रहेगा, और सिंगल बॉन्ड के बाद दोनों में क्या है, दोनों जो समूह है वो आकर के वन बाई वन बन के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो इस ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेगा।
कभी कभी ये रिएक्शंस हमारे ट्रिपल बॉन्ड में भी रिप्रेजेंट हो जाती हैं। रिएक्शंस क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में भी फॉर्मेशन को शो कर देती है। जैसे हमारे पास सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ठीक है, सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, यहाँ पे क्या है, एडिशन हुआ है। तो कोई भी समूह हमारा, मान लीजिए सी एल टू गैस है ना, क्लोरीनेशन हमने करा है, तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट सी एच डबल बॉन्ड करके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले ट्रिपल बॉन्ड था, कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, है ना, तो एक क्लोरीन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे, दोनों का सी एल टू सी एच सी एल डबल बॉन्ड सी एल टू, ठीक है, सी एच सी एल हो जाएगा। वन टू डाईक्लोरो, डाईक्लोरो कितने का आपने ना वन और टू है ना, मीथेन एथेन एथेन इथिन ई एन डबल है ना, डबल बॉन्ड से इथिन बोलेंगे, ठीक है, वन टू डाईक्लोरो इथिन हो जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। अभी यहाँ पे भी सब एडिशन हो सकता है, डबल बॉन्ड फिर से इसमें क्या हो, एडिशन, अगर एक्सक्लोरिन के एक्सेस अमाउंट में बोल देंगे, एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे, तो एक क्लोरिन और यहाँ पे एडेड हो सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डाईक्लोरो वन टू टू डाईक्लोरो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में अपार्ट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। मोस्टली हम सब्स्टिट्यूशन तीन प्रकार के रीजंस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तीन प्रकार के समूह से हो सकता है, ऐसे इलेक्ट्रोफिल, ठीक है, अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल करा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, तो सभी क्या को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, रिएक्शन रिएक्शन। और एक और टाइप है, इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं ना, तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेनली यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, और यहाँ पे फ्री रेडिकल हमारा, मान लीजिए इसको डॉट वाली स्पीशीज बोल देंगे, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल हमारा कार्बन पर स्पीशीज, तो फ्री रेडिकल स्पीशीज हो जाए। इनको एक वन बाई वन करके एग्जाम्पल लेकर के फिर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ओके, नेक्स्ट।